वेरी गुड मॉर्निंग जी, मेरा नाम डॉक्टर विनय गुप्ता है और मैं मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूएशन ऑफिसर हूँ डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ही पोस्ट है और डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल में मेरी पोस्टिंग है। तो कल वर्ल्ड ऑटिस्टिक अवेयरनेस डे है, ऑटिज्म जो शायद आपने सुना तो होगा, बट क्योंकि आपके जो अंडर बच्चे हैं वो नर्सरी केजी किंडरगार्टन किड्स हैं, तो आप लोगों को इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स के बाद टीचर्स ही वो लोग हैं जिसके कॉन्टैक्ट में बच्चा रहता है और वो बच्चे के बिहेवियर से, उसकी मूवमेंट से, जो भी बच्चा अपनी डे टू डे लाइफ में, स्कूल लाइफ में कर रहा है, उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या बच्चा ऑटिस्टिक है। सबसे पहले तो ऑटिज़म को ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रल डिसऑर्डर बोला जाता है, और जहाँ पर जो वर्ड आता है स्पेक्ट्रल, दैट मीन्स स्पेक्ट्रम, इसका मतलब होता है कि वो लॉन्ग रेंज ऑफ सिम्टम्स हैं जो पर्टिकुलरली एक व्यक्ति में कैसे हो सकते हैं, दूसरे में कैसे हो सकते हैं, मीन्स स्पेक्ट्रम ऑफ सिम्टम्स कैन बी देयर ऑफ ऑटिज़म। तो अगर हम ऑटिज़म की प्रेवलेंस की बात करें तो 100 में से एक बच्चा ऑटिस्टिक है पूरे वर्ल्ड में, और अगर मेल टू फीमेल रेशो की बात करें तो बॉयज़ इससे ज़्यादा प्रभावित हैं और गर्ल्स इससे कम हैं, 3:1 की रेशो है मेल टू फीमेल की। और 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 11 स्टेट्स में एक स्टडी हुई थी, उसमें 4.3 टाइम्स ये बॉयज़ में ज़्यादा पाई गई थी गर्ल्स के बजाय। तो और हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ कितनी है, 1100 है ना, तो अगर हम मान के चले तो 11 बच्चे हमारे यहाँ ऑटिस्टिक हो सकते हैं। अब हम उनको आइसोलेट भी नहीं कर सकते, भाई तुम्हें ऑटिज़म है तो तुम चले जाओ, तुम्हारा कोई राइट नहीं है, बट दे नीड स्पेशल केयर फ्रॉम कम्युनिटी, सोसाइटी, स्कूल्स, कॉलेज और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। केवल बच्चे के लिए ही नहीं, मदर्स के लिए, फीमेल्स के लिए भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि कई ऐसी कंडीशंस जो फीमेल्स में या मदर्स में हो सकती हैं जिससे कि उनके बच्चे में ऑटिज़म होने की संभावना हो सकती है। तो अगर आप समय रहते इन चीज़ों के बारे में जानेंगे तो पर्सनल लाइफ में भी आपको हेल्प करेंगे ये चीज़ें कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक ना हो, उसके चांसेस कम हो जाएं। तो स्टार्ट करें, तो इसके कॉजेज पहले हम जान लेते हैं। बोल फैमिली जिनोम, अगर किसी फैमिली में, इमीडिएट रिलेशन में किसी को ऑटिज़म है, जैसे ब्रदर, सिस्टर या आइदर ऑफ द पेरेंट्स, मदर फादर को अगर ऑटिज़म है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके बच्चे को भी ऑटिज़म हो सकता है। मैटरनल इम्यून सिस्टम, अगर प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी के दौरान मदर में कुछ ऐसे इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स हैं जिसके अंदर कुछ ऐसी बीमारियों के लिए प्रोटीन्स या एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं, ऐसी कंडीशन में भी बच्चा ऑटिस्टिक पैदा हो सकता है। न्यूरोनल कम्युनिकेशन, पहले 5 या 6 साल में बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है, हम सब जानते हैं, तो जैसे जैसे न्यूरॉन्स के कम्युनिकेशन बढ़ते हैं ब्रेन में तो ब्रेन डेवलपमेंट होती है। तो अगर न्यूरॉनल कम्युनिकेशन वीक है बच्चे का ड्यूरिंग दी अर्ली एजेस, ये वो किसी इंजरी से भी हो सकता है या डाइट्री भी हो सकता है, तो ऐसे केसेस में बच्चा ऑटिस्टिक हो सकता है। आज के टाइम पे शादियां लेट हो रही हैं, 34, 35, 36, तो एडवांस्ड पेरेंटल एज, जिसमें अगर पेरेंट्स की एज 30 क्रॉस है 35 क्रॉस है, ऐसे पेरेंट्स के बच्चे भी ऑटिस्टिक हो सकते हैं। है प्रीनेटल एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन, अब हम लोग कहते हैं कि एयर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि डेवलपिंग बच्चे पर भी एयर पोल्यूशन का इफेक्ट पड़ रहा है। अगर 5 से 6 साल के अंदर अंदर बच्चे के ऐसे पोल्यूटेड एरिया में रहता है तो उसके MET नाम के जीन में म्यूटेशन होती है जिससे कि उसको ऑटिज़म हो सकता है। प्रीमैच्योर बर्थ, अगर कोई बच्चा 9 मंथ से पहले पैदा हो जाए तो उसे प्रीमैच्योर बर्थ कहते हैं, बट ऑटिज़म उन बच्चों में ज़्यादा होने की संभावना है जो एक्सट्रीम प्रीमैच्योर बर्थ हो, जैसे 2-4 दिन 10 दिन की आगे पीछे कोई बात नहीं होती, बट अगर एक्सट्रीम प्रीमैच्योर बर्थ है तो उसको ऑटिज़म डेवलप हो सकता है। वेरी लो बर्थ वेट, अगर उसकी डिलीवरी सही टाइम पर है बच्चे की लेकिन उसका वेट बर्थ के टाइम लो है तो उस बच्चे में भी ऑटिज़म डेवलप हो सकता है। बर्थ कॉम्प्लिकेशंस, पहले तो बच्चा जो कोर्ड है, माँ से जुड़ी हुई कोर्ड है, नाल है, उसके थ्रू सारा न्यूट्रिशन लेता है, ऑक्सीजन लेता है, लेकिन जब वो पहली सांस लेता है उसी से ऑक्सीजन उसके ब्रेन में जाती है। अगर बर्थ के दौरान ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं कि ठीक तरीके से एक मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसके ब्रेन तक नहीं पहुंचा है ड्यूरिंग डिलीवरी ड्यू टू बर्थ कॉम्प्लिकेशंस, तो ऐसे बच्चे में भी ऑटिज़म हो सकता है। या फिर रेट सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में भी 10% केसेज में बच्चे को ऑटिज़म डेवलप हो सकता है। अब जो पॉइंट बता रहा हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटरनल डायबिटीज़, अगर किसी मदर को जो कंसीव करने वाली है या प्रेग्नेंट है उसको डायबिटीज़ है, उसके बच्चे को भी ऑटिज़म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैटरनल ओबेसिटी, अगर
कोई लेडी ओबीस है, उसका वेट ज़्यादा है, जो बॉडी मास इंडेक्स से ज़्यादा अगर किसी लेडी का वेट है, तो ऐसे केसेस में भी उसके बच्चे को ऑटिज़म डेवलप हो सकता है। जेनेटिक म्यूटेशन से ऑटिज़म हो सकता है, मेटाबॉलिक इम्बेलेंसेस से, आजकल वही हार्मोनल इम्बेलेंसेस वाली बात, थायराइड हार्मोन्स के इम्बेलेंसेस हो सकते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के इम्बेलेंसेस हो सकते हैं, और भी जितने तरह के हार्मोन्स हैं, तो वो सभी मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करते हैं। अब आपने देखा होगा कि अगर किसी को थायराइड की बीमारी हो जाए तो वो मोटी हो जाती है, बोलते हैं ना मोटी हो, या बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, बिकॉज दीज हार्मोनल चेंजेस अफेक्ट द मेटाबॉलिक बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो ऐसे केसेस में भी ऑटिज़म हो सकता है। फीटल एक्सपोजर टू मेडिकेशंस, अगर कोई मदर, प्रेग्नेंट मदर किसी कन्वर्जन्स के लिए, दोरों के लिए, फिट्स के लिए वेलप्रोइक एसिड ले रही है, सोडियम वेलप्रोइट हम उस मदर को देते हैं, या किसी मदर को लेप्रसी है, लेप्रसी सुना आपने, कोड हो जाता है, कोड कुष्ठ रोग, अगर उसकी ड्रग थैलिडोमाइड ले रही है, तो उस केसेस में भी बच्चे को ऑटिज्म डेवलप हो सकता है। ऐसी मदर जो ओपियोइड ड्रग्स ले रही हैं, जैसे किसी बीमारी के लिए उन्हें ओपियोइड्स रिकमेंड किए गए हैं, तो ऐसे बच्चों में भी ऑटिज़म हो सकता है। फीवर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के दौरान मदर को फीवर आता है बार बार, तो ऐसे केसेस में भी बच्चे को ऑटिज़म डेवलप हो सकता है। हैवी मेटल्स, या फिर बच्चे को हम प्लास्टिक की बॉटल में, पैदा हुआ है उसको दूध पिला रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, तो प्लास्टिक्स में केमिकल होता है बिस्फिनॉल ए, अगर आपने सुना हो तो, अब तो खैर कंपनीज़ ने बिस्फिनॉल ए फ्री बीपीए, तो उनके फ्री प्लास्टिक्स बनाने शुरू कर दिए हैं और उस पर लिखती भी हैं वो। अगर विटामिन की कमी है प्रेगनेंसी के दौरान, अगर कोई मदर विटामिन नहीं ले रही है, एस्पेशली फॉलिक एसिड अगर वो नहीं ले रही है, आयरन नहीं ले रही है, तो ऐसे बच्चों में जो उनके बच्चे होंगे उनको भी ऑटिज़म डेवलप हो सकता है। अब इसकी करेक्टरिस्टिक, बच्चे में कैसे पहचाने और कब आपको उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है कि जी इस बच्चे को तो ऑटिज़म हो गया है। नंबर वन, लाइंस ऑफ टॉयज एंड ऑब्जेक्ट्स एंड गेट्स अपसेट व्हेन द ऑर्डर इज डिस्टर्ब, जैसे खिलौनों को एक लाइन में लगा देगा, ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में लगा देगा, और अगर आप उसके ऑर्डर को डिस्टर्ब कर देंगे तो वो चिढ़ जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। रिपीट्स वर्ड्स एंड फ्रेजेस ओवर एंड ओवर, जिसे इको एलिया बोला जाता है, अगर बच्चा बार बार ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस बोल रहा है जिसको वो अंडरस्टैंड भी नहीं कर रहा है, अपने आप ही जिसे कहते हैं ना गुनगुना रहा है या वो कर रहा है, इको एलिया बोलते हैं उसको, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, तो ऐसे बच्चे में ऑटिज़म डेवलप हो सकता है या उसे ऑटिज़म हो सकता है। प्लेज विथ टॉयज द सेम वे एवरी टाइम, हर बार खिलौनों के साथ एक ही तरह से प्ले करता है, जैसे उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, जैसे गाड़ी चला रहा है ऐसे, जब इसको गाड़ी देंगे वैसे ही ऐसे चलाता रहेगा उसको, ऐसे इसको क्रिएटिविटी नहीं होगा। गेट्स अपसेट विद माइनर चेंजेस, जब भी उसके रूटीन में माइनर सा भी आप चेंज करेंगे, जो उसका रूटीन है सोने का, उठने का, खाने का, पीने का, टीवी देखने का, जब भी उसको आप अपसेट करेंगे तो वो अपसेट हो जाएगा। ऑब्सेसिव इंटरेस्ट, आप उसे खिलौना छुपा भी लें तो उसको अगले दिन भी ध्यान रहता है कि वो वहाँ खिलौना रखा है, और उसको जाकर तोड़कर आता है, उसको छेड़ता है, वो भूलता नहीं है उस चीज़ को, ऑब्सेशन डेवलप कर लेता है। तो ऑब्सेसिव इंटरेस्ट ऐसे बच्चों में एक करेक्टरिस्टिक हो सकता है। सर्टेन जो रूटीन है वही फॉलो करता है, जैसे उसके रूटीन में कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, उसी टाइम पे उठ रहा है, स्कूल जा रहा है, फटीग्ड है, फिर आके खाना खा रहा है, फिर सो रहा है, मतलब रूटीन उसका चेंज नहीं हो रहा, वो क्रिएटिव नहीं है। अनयूजुअल रिएक्शंस, द वे थिंग्स, साउंड, स्मेल, टेस्ट, जैसे एक नॉर्मल बच्चे को रिस्पॉन्ड करना चाहिए किसी साउंड के लिए, स्मेल के लिए, टेस्ट के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए, वो वैसे उससे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। डिलेड लैंग्वेज स्किल्स, बोलने में डिले करेगा वो, जैसे उसको जो वर्ड्स बोलने चाहिए वो भी बताऊंगा। अब आप कहेंगे कि ये तो सभी बच्चों में हम करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि आप फिर तो हर बच्चा ऑटिस्टिक हो गया, तो इसके पैरामीटर्स होते हैं कि इस एज तक क्या सिम्टम्स आपको उसे दिखेंगे कि उसमें ऑटिज़म डेवलप हो रहा है या नहीं, लेकिन ये करेक्टरिस्टिक्स वो हैं जो आपको उन बच्चों में देखने को मिल सकते हैं। डिलेड मूवमेंट स्किल्स, मूवमेंट डेवलप होने में उनको डिले होगा। डिलेड कॉग्निटिव एंड लर्निंग स्किल्स, लर्न करने में दिक्कत आएगी और पहचानने में, चीज़ों को लर्न करने में पहचानने में दिक्कत आएगी। हाइपर एक्टिव इंपल्सिव एंड इन अटेंटिव बिहेवियर, अटेंशन नहीं दे पाएगा, इम्पल्सिव होगा वो, और साथ में हाइपर एक्टिव भी होगा, काफ़ी शरारती भी होगा। एपिलेप्टिक सीजर्स भी ऐसे बच्चे को आ सकते हैं जिसमें उसको दौरे पड़ सकते हैं। अनयूजुअल ईटिंग एंड स्लीपिंग हैबिट्स, ऐसी हैबिट्स ईटिंग की और स्लीपिंग की, जैसे सो रहा है तो सो ही जा रहा है, या नींद ही नहीं आ रही है, आपको कोई परेशान कर रहा है, ठीक है, और ईटिंग
विंगेटिंग होगी उसको, ज़्यादा खाएगा या भूख नहीं लगेगी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज़, ऐसे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन बहुत देखने को मिलती है, अनयूजुअल मूड एंड इमोशनल रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस जो आप बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं उसके मूड्स और इमोशंस को लेके वो देखने को मिलेंगे, एंग्जाइटी स्ट्रेस एक्सेसिव वरी, ऐसे बच्चे में एंग्जाइटी देखने को मिलेगी, हार्ट बीट फास्ट हो जाना, स्वेटिंग होना, या कोई एकदम उसको हम कोई एक्टिविटी करने के लिए बोल दें घबरा जाना, फियरफुल हो जाना, ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाना, पैल्पिटेशंस होना, कांप जाना, हाथ पैर उसको कांपने लगेंगे उसके, तो ऐसे बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है, लैक ऑफ फियर और एक्सेसिव फियर, या तो बिल्कुल ही डर नहीं होगा उसको, उसको आप ऊंचाई पे भी खड़ा कर देंगे डरने लगेंगे लगेगा उसको, या फिर एक्सेसिव फियर कि उसको बाइक पे भी उठा दिया तो उसको ये लगेगा कि मैं कहाँ बैठ गया ऊंचाई पे, शोइंग मोर इंटरेस्ट इन ऑब्जेक्ट्स देन पीपल, टॉयज़ में और ऑब्जेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट शो करता है ऐसा बच्चा बजाय कि लोगों में, उसके अलावा नॉट हियर व्हेन स्पोकन डायरेक्टली, हमारी बात को सुनना ना, सुनता नहीं उसको, अटेंशन नहीं देता, अगर हम उसको बोलते भी रहें डायरेक्टली बात भी करते रहें तो उसको सुनता नहीं है, रिपीटिटिव मूवमेंट्स ऑफ फिंगर्स हैंड्स हेड एंड आर्म्स, रिपीटिव जैसे मतलब अपने आप ही ऐसे हाथ हिलाने लग जाएगा या ऐसे सिर हिलाने लग जाएगा, फिर वो रिपीटेटिव करेगा, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे हाथ और ऐसे रिपीटेटिव मूवमेंट्स उसके होंगे, तो ऐसे बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है, डिफ़िकल्टी सोशल इंटरेक्शन, रेसिप्रोकल इंटरेक्शन जो उसका होता है सोसाइटी के साथ, डिफ़िकल्टी इन रेसिप्रोकल सोशल इंटरेक्शन, रेसिप्रोकल सोशल इंटरेक्शन होता है जैसे हम लोग आपस में बात करें, मैं आपसे कोई पूछूं तो आपका उसका टाइमली रिप्लाई कर देंगे, आपका रिएक्शन दे देंगे आप उसमें, तो ऐसे बच्चे के साथ रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन डिफ़िकल्ट होता है, वो आपके बात को रिस्पॉन्ड नहीं करता, रिपीटेटिव बिहेवियर्स, जैसे आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे घूमने लग जाते हैं अपने आप ही, चक्कर खाने लगा तो चक्कर खा के गिर जाते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, तो रिपीटेटिव बिहेवियर्स आपको ऐसे बच्चों में देखने मिलते हैं स्पिनिंग के। अब व्हेन टू सी ए डॉक्टर, डॉक्टर के पास कब लेके जाना है, नंबर वन अवॉइड्स और मेक नो आई कॉन्टैक्ट, अगर जब से 6 मंथ्स एज से वो आपके साथ आई कॉन्टैक्ट ही नहीं करता, वो आपको समझता ही नहीं, आपकी आंखों में नहीं देखता है, तो दैट मीन्स यू हैव टू वरी। Does not respond to name by 9 months of age, जो भी आपने उसका नाम रखा है बेबी गुड्डू जो भी, तो अगर उसको आप नाम लेके बुलाते हैं तो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता कि गुड्डू इधर देखो, उसको पता ही नहीं गुड्डू कौन है, तो दैट मीन्स 9 महीने तक अगर वैसे रिस्पॉन्ड नहीं करता तो दैट मीन्स ही कैन और शी कैन बी ऑटिस्टिक। Does not show emotions or facial expressions of happy, sad, angry, surprised by 9 months. 9 महीने तक अगर वो स्माइल ही नहीं करता, सैड ही नहीं होता, सरप्राइज ही नहीं होता, गुस्सा ही नहीं होता, तो दैट मीन्स ही और शी कैन हैव ऑटिज्म। Does not play simple interactive games like pat a cake by 12 months. अगर 1 साल की एज तक वो गुड्डे गुड़ियों के साथ नहीं खेल रहा है, उसको धक्का नहीं मार रहा, उसको बिठा नहीं रहा है, होते ना लड़कियाँ संभालती हैं गुड्डे को और लड़के गुड़ियों को। Use no gestures by 12 months. अगर 1 साल की एज तक वो बाय बाय नहीं कर रहा, टाटा नहीं कर रहा, हेलो नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स द ही और शी कैन बी ऑटिस्टिक। 15 महीने की एज तक अगर वो किसी ऑब्जेक्ट में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, जैसे बच्चे होते हैं ना पेन में इंटरेस्ट शो करते हैं, आपकी जेब में पेन हो ऐसे निकाल लेते हैं कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है मुझे दे दो, की चेन है आपके हाथ में वो ले लेते हैं, अगर ऐसा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा तो दैट कैन बी ए साइन ऑफ ऑटिज्म इन ही और शी। Does not show you something interesting by 18 months. बच्चों की आदत होती है अगर वो 1.5 साल का है और वो कोई इंटरेस्टिंग चीज़ आपको नहीं दिखा रहा, जैसे कई बार होता है कि पेन उठा लिया वो आपको ऐसे पिंग करके या पॉप करके गया देखो ये मिला मुझे, अगर वो 18 months तक ऐसा नहीं कर रहा तो दैट मीन्स ही और शी कैन बी ऑटिस्टिक। नॉट नोटिस अदर्स हर्ट बाय 24 months. अगर आपको चोट लग रही है, आपको दुख हो रहा है, आप एक्टिंग भी कर रहे हैं कि मुझे दुख हो रहा है मुझे चोट लग गई देखो, तो उसके अंदर भी एक इमोशन होता है बच्चे के अंदर कि हाँ क्या हो गया दिखाओ कहाँ लगी, आपको टच करके पूछेगा। अगर 2 साल की एज तक 24 महीने की एज तक वो ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देता तो दैट मीन्स ही और शी कैन बी ऑटिस्टिक। नोट नोटिस अदर चिल्ड्रन एंड जॉइन देम बाय 36 months. अगर 3 साल तक वो अपनी उम्र के बच्चों को नोटिस नहीं करता है, उनके साथ इंडल्ज होकर गेम्स प्ले नहीं कर रहा है, उनमें इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स शी और शी कैन बी ऑटिस्टिक। नॉट प्रिटेंड टू बी ए टीचर और हिज और हर सुपर हीरो बाय 48 months. अगर 4 साल की उम्र तक वो टीचर नहीं बन के दिखा रहा है आपको, या कोई जो कार्टून देखता है वो आपने देखा होगा कि बच्चे कार्टून देखते देखते उसको मिमिक करने लगते हैं,
हमारे टाइम में शक्तिमान होता था तो बच्चे क्या करते थे, शक्तिमान की एक्टिंग करते थे ना, मैं शक्तिमान ऐसे गोल गोल घूमते थे। तो मिमिकिंग अ टीचर या टीचर से इम्प्रेस हो जाते हैं बच्चे 4 ईयर्स तक की टीचर जैसे बोल रही है। अब मैं एक स्कूल में गया था, वहाँ बच्चे बैठे हुए थे, तो मेरी ड्यूटी लगी थी वहाँ पे, तो मैंने देखा कि एक 4 साल का बच्चा अपनी टीचर को बोल रहा है मेक ए लाइन, कीप क्वाइट, मेक ए लाइन। तो दैट मीन्स ही इज़ ट्राइंग टू मिमिक हर टीचर, हिज टीचर। तो अगर ऐसा जो इंसिडेंस है नहीं हो रहा है उसके साथ बाय 4 ईयर्स, तो दैट मीन्स ही और शी कैन बी ऑटिस्टिक। अगर वो आपके कहने से या आपके लिए एक्ट नहीं करता है, डांस नहीं करता है, पोएम नहीं सुना रहा है 5 साल तक, आप कहते हैं ना पोएम सुनाओ बेटे, अंकल आए आंटी आए पोएम सुनाओ, डांस करके दिखाओ। देखो शाई करना एक अलग चीज़ होता है, अगर बच्चा दूसरों के सामने शाई फील कर रहा है तो वो भी एक ट्रेट नॉर्मल है। लेकिन अगर वो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, अपने आप भी नहीं कर रहा है, पेरेंट्स के सामने नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स देयर इज़ सम प्रॉब्लम विद द चाइल्ड। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे? ठीक है जी, हम डॉक्टर के पास भी ले गए, अब डॉक्टर भी तो समझदार होना चाहिए कि ऑटिज़म तो है लेकिन वो पहचान नहीं पाया। तो साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जब उस बच्चे को देखेंगे, आप लेकर गए कि डॉक्टर साहब देखना ज़रा बच्चे में ऑटिज़म है कि नहीं, तो वो कैसे डायग्नोसिस करेगा उसके अंदर? DNA टेस्टिंग फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, DNA टेस्टिंग फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, बिहेवियरल इवेल्युएशन। अगर आप किसी बच्चे से बात करेंगे तो, और आपको नॉलेज है ऑटिज़म के बारे में, लैंडमार्क्स के बारे में कि कौन से लैंडमार्क्स उसे अचीव कर लेने चाहिए थे अब तक इस एज में, तो आप डायग्नोस कर लेंगे। विजुअल ऑडियो टेस्ट्स, बच्चे के वीओ टेस्ट करवाकर आप पता कर सकते हैं विजुअल ऑडियो की बच्चे में है कि नहीं ये ऑटिज़म। ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्क्रीनिंग, एक थेरेपी है जो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उस थेरेपी को हम उस पर ट्राई करते हैं, डायग्नोस करते हैं बच्चे को, उस थेरेपी के टाइम उसे स्क्रीन कर लेते हैं। डेवलपमेंटल क्वेश्चनेयर, एक क्वेश्चनेयर हम तैयार करते हैं पेरेंट्स और बच्चे के लिए, जब हम उस क्वेश्चनेयर को उन पेरेंट्स और बच्चों के सामने पुट करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि बच्चे के अंदर ऑटिज़म है या नहीं। अब कुछ टिप्स दे देता हूँ मैं आपको कि अवॉइड क्या करना है डाइट में, हर बच्चे के लिए जो अवॉइड करना चाहिए डाइट में, हर बच्चे के लिए, ऑटिज़म के लिए नहीं। एक तो वो खाना आप उनको बिल्कुल ना दें जिसमें प्रिजर्वेटिव्स हो या फिर कलर्स हो या फिर स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। रीज़न, जो कलर्स हैं ये सारे जो केमिकल्स ही हैं, आजकल हमारी जो डाइट में जितने भी ये प्रिजर्वेटिव्स हैं, बेसिकली दे आर पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, उसको हम प्रिजर्वेटिव्स का नाम दे देते हैं, लेकिन वो स्मॉल अमाउंट्स में बेसिकली इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स ही है, तो हमारे लिए कैंसर का कारण भी बन रहा है। तो जब आप उसको इंजेस्ट करते हैं, ओरली एडमिनिस्टर करते हैं, तो वो आपके सभी जो सिस्टम्स कहें उन पर अफेक्ट करता है, तभी आपको एकदम से काफ़ी टाइम बाद अपनी लाइफ में जाके पता लगता है कि आपको तो ये बीमारी है, बट बेसिकली वो हमारी डाइट की वजह से ही होती है, वरना पहले वाले टाइम में इतनी बीमारियाँ नहीं होती। फूड, सिर्फ ये वाला फूड नहीं, आजकल हमारे अंदर जो साइकोलॉजिकली फूड जा रहा है ना, वो भी बहुत गलत जा रहा है। अब आप मानेंगे कि कंसंट्रेशन नहीं है लोगों के अंदर, और खाना क्या है बच्चे को ज़्यादा, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाना क्या है, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स, फिश, अनसेचुरेटेड फैट्स। अब हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट क्या है? बिहेवियरल थेरेपी, ये उन चैलेंजेस को दूर करती है जो उसके बिहेवियर में मैनिपुलेशन करती हैं बच्चे की, जैसे एग्रेशन नहीं होने देंगी उसके अंदर, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर नहीं होने देंगी, सेल्फ हार्म को रोकेंगी, स्लीप प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगी, एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगी। स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, जो उसको रिसेप्टिव लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, साउंड प्रोडक्शन एंड प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन, जो हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, क्या नाम है आपका, दिस इज़ प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन, कन्वर्जेशन बिटवीन टू पीपल इज प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन। तो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी में हम उसको ये चीज़ सिखाएंगे। ऑक्यूपेशनल थेरेपी इसलिए की जाती है ताकि वो उसकी लाइफ स्किल्स को हम इम्प्रूव कर सकें, उसकी एक्टिविटीज़ जैसे फीडिंग, वो खाना ठीक से खाए, सेल्फ केयर कर सके, प्ले और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ ठीक से करे, इमोशनल रेगुलेशंस करे, और मोटर स्किल्स। ग्रुप थेरेपी, वो ग्रुप थेरेपी इसलिए करते हैं टू एड्रेस बिहेवियरल कंसर्न्स, कि कैसे उसे जब वो ग्रुप में बैठेगा, सोसाइटी में रहेगा, तो वो कैसे बिहेवियर करेगा, सोशल स्किल्स, एंग्जाइटी को दूर करेगा, उसकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेगा, और सेंसरी प्रोसेसिंग को इम्प्रूव करेगा। उसके अलावा सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी और फिजिकल थेरेपीज़ होती हैं जिससे हम बच्चे को ट्रीट कर सकते हैं, और ट्रीट भी क्या कर सकते हैं, मीन्स मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है ऑटिज़म के लिए। कुछ केसेस में अगर उसको एंग्जाइटी, डिप्रेशन या फिर फिट्स, कन्वर्जन हो रहे हैं, तो उसमें हम मेडिकेशंस अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, बट एज सच देयर इज़ नो मेडिसिन फॉर द ऑटिस्टिक चाइल्ड। अब स्कूल को क्या करना है, स्कूल को क्या रोल प्ले करना है, तभी तो आपके लिए यूजफुल होगा ना लेक्चर।
अगर कोई बच्चा, वैसे तो ये सभी बच्चों पर लागू होता है, क्रिएट एनवायरनमेंट नॉट ओवर स्टिमुलेटिंग। आजकल आपने देखा होगा स्कूल के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट बनता जा रहा है, ओवर स्टिमुलेट कर रहा है वो बच्चों को, चाहे वो नॉर्मल बच्चे ही क्यों ना हो। जैसे एक्सेसिव लाउड म्यूजिक बजाना क्लासेस में, इससे क्या होता है कि स्टूडेंट का जो मेंटल कंसंट्रेशन है वो डाइवर्ट होती है। आपको टीचर के साथ कॉन्टैक्ट करना है उसका, ओवर स्टिमुलेट नहीं करना उसकी सेंसेस को। क्रिएट रूटीन, हर बच्चे का एक रूटीन बनाएं, और वो भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में, कि बच्चे को अंडरस्टैंड हो, कि उसको पिक्चर के थ्रू समझाएं कि आपने देखो आपका ये रूटीन है, आपने खाना खाना है ऐसे खाना खाना है, ये बच्चा देख रहे हो कैसे खाना खा रहा है, वो करना है। गिव फ्यूअर चॉइसेस, ये ऑटिस्टिक बच्चे के लिए है। जैसे हम बोलते नहीं है किसी बच्चे को कि बेटा ये लो आप ग्रीन ब्लैक येलो रेड वाइट कलर में से चूज़ करो, तो ऐसे ही ऑटिस्टिक बच्चे को फ्यूअर चॉइसेस देनी है ताकि उसके लिए इजी हो सके, वरना वो कंफ्यूज हो जाएगा। उसको कहना है ये ग्रीन और ब्लू है भाई, इसमें से कौन सा अच्छा लगता है, तो वो अच्छे से चूज़ कर लेगा। लेकिन अगर आप उसको 6-7 कलर्स बता दोगे तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा। रिसेप्टिव मोशंस, जो भी चीज़ आप बच्चे को समझाएं वो मोशन के थ्रू समझाएं, जैसे उसको याद हो जाए वो चीज़। जैसे उसे कहें कि देखो बेटे ये पेन है पेंसिल है ये इसमें रखनी है आपने ऐसे। अगर आप उसे सिर्फ ओरली बताएंगे पेन और पेंसिल्स अपने उसमें रखो कबर्ड में रखो, लेकिन अगर आप उसे ये कहोगे देखो बेटा ये पेन और पेंसिल ये येलो कलर की आपकी कबर्ड है इसमें रखो, तो रिसेप्टिव मोशन से आपको उसको बात समझानी है। वॉइस शुड बी लो एंड क्लियर। अगर किसी को कोई बात समझनी है ना या समझानी है तो उसके लिए ज़ोर से बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको किसी को बात समझानी है सो योर वॉइस शुड बी लो पिच्ड, आपकी वॉइस की पिच जो है वो लो होनी चाहिए और आपके शब्द क्लियर होने चाहिए, तभी सामने वाला समझेगा और समझने की कोशिश भी करेगा। लिमिट फिज़िकल कॉन्टैक्ट, ये ऑटिस्टिक बच्चे के लिए पॉइंट है। जो ऑटिज़म से ग्रसित बच्चे होते हैं, दोज़ आर अफेक्टेड विद ऑटिज़म, वो बॉडी लैंग्वेज को और टच को बहुत कम समझते हैं, तो इसीलिए ऐसे बच्चों के साथ फिज़िकली कॉन्टैक्ट होकर या टच करके कोई चीज़ नहीं समझानी, इनको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से ही समझानी है या उनके आगे एनेक्ट करके, एक्टिंग जो भी आप वर्ड इसके लिए यूज़ कर लें। अलाउ स्टूडेंट टू स्टैंड इंस्टेड ऑफ सिट। आप कभी भी देखना कि जितने भी इंटरेक्टिव लेक्चर्स होते हैं वो चलते हुए या खड़े होकर दिए जाते हैं। आप जितने भी स्पीकर्स को देखेंगे, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज के स्पीकर्स होते हैं, कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं, तो वो ऐसे चलते हुए ऑडियंस को समझा रहे होते हैं। तो ऐसे बच्चों को, और ये बच्चों में कैसे आप नोटिस कर सकते हैं, आप देखिएगा बच्चों को अगर आप स्टैंड करके इस टेबल के चारों तरफ अगर मैं खड़ा कर दूँ और उनको कोई चीज़ समझाऊँगा तो बच्चे विल स्टार्ट मूविंग, होता है ना बैक एंड फोर्थ रॉक करना शुरू करते हैं वो, यही कि वो आपकी बात के साथ अपनी बॉडी मूवमेंट्स को कोरिलेट करते हैं और उस बात को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। क्रैमिंग करते हुए आपने देखा होगा बच्चे ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हैं, तो नेचुरल बेसिक इंस्टिंक्ट है और दैट इज़ मोर क्रिएटिव है। 1-to-1 इंटरेक्शन कोशिश कीजिए, कि वैसे तो आजकल स्कूल में तो शायद स्टूडेंट टीचर रेशो ठीक है, मीन्स स्टूडेंट कम है और टीचर ज़्यादा हैं, तो ऑटिस्टिक चाइल्ड के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करनी है। ये नहीं सोचना कि वहाँ ऑटिज़म वाला वहाँ बैठा है तो मैं यहाँ से कुछ बता रही हूँ तो वो समझ लेगा, और जब तक आप उसे 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो वो आपकी बात को नहीं समझेगा। एलिमिनेट स्ट्रेस, स्ट्रेस को एलिमिनेट कर दीजिए, वैसे तो आप नॉर्मली सबके लिए लागू है वो चीज़, तो क्यों कर देना चाहिए एलिमिनेट स्ट्रेस। जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो आपके इमोशंस को बहुत जल्दी कैच करते हैं, अगर उसको एक बार भी ये लग गया ना कि ये टीचर मेरी वजह से स्ट्रेस में है या ये स्ट्रेस में है, तो उसे वो अपने ऊपर ले लेगा उस बात को कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा इसलिए परेशान हो रही है, वो और ज़्यादा अपने ऑटिज़म में खो जाएगा और अपने अंदर अंदर खो जाएगा, तो इसीलिए एलिमिनेट स्ट्रेस। और वैसे भी ऐसे बच्चों के साथ हम डील करते हुए स्ट्रेस में आ ही जाते हैं। नेक्स्ट, विजुअल लर्निंग, जितना कम हो सके उसको राइटिंग के थ्रू समझाने की कोशिश करें, कम से कम उसको विजुअल लर्निंग के थ्रू, जैसे पिक्चर है, जैसे ये कैट बनी हुई है, देखो सी फॉर कैट, कैट है ना, C4K है ना, कैटरपिलर है ना, अच्छा है ना, हाँ। तो विजुअल लर्निंग शुड बी देयर। प्ले थेरेपी, ऐसे बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्ले में इन्वॉल्व करें, जैसे झूले झुलाएं उसको, स्लाइडिंग वाले झूले झुलाएं, फिंगर पेंटिंग्स करें उनकी, फुट प्रिंटिंग पेंटिंग करें, मड प्ले, व्हाट इज़ मड प्ले, क्ले के साथ मॉडल्स बनाना, मड प्ले। तो बच्चों को मड प्ले में एंगेज करें, जिससे क्या होगा कि उनका माइंड क्रिएटिव होगा। कैसा लगा आपको लेक्चर? जी आप बताएं ना, मुझे ही पता लगे मैंने क्या सिखाया जी। अच्छा, ऑटिज्म क्या होता है? ऑटिज्म कुछ बच्चों में कुछ वीकनेसेस होती हैं, ना कि वो बच्चा किसी चीज से चीख प्रैक्टिस में वीक होता है, लाइक एंजाइटी
प्रॉब्लम हो गई या रेपिटेशन में वो किसी चीज को रिपीट करता है या एक ही जगह पे सर्कल में घूमता है राउंड राउंड और फोकस फिल्टर उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए लाइक अगर हमें उनकी हेल्प करनी है तो उन्हें हमें स्पेशली ध्यान देना है फूड्स में क्या चीज इंक्लूड करनी चाहिए फूड्स में हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड करनी चाहिए बजाय कि प्रिजर्वेटिव्स हमें नहीं यूज करने चाहिए और उनको बीच में ही टीच करना चाहिए बजाय कि उनको हम दो बोल के वर्बली कम से कम ट्राई करना चाहिए बीच में जितना आप दिखाओगे उससे ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी एक्टिविटीज करानी चाहिए मदर्स को क्या करना क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं प्रेग्नेंट मदर्स को फूड सबसे पहले तो अपने फूड पे ध्यान देना चाहिए और जो उनको फीवर के टाइम पे अपना ध्यान देना चाहिए कि फीवर ज्यादा से ज्यादा ना हो बेटर है और प्लास्टिक बॉटल अच्छा कब लेके जाना है बच्चे को डॉक्टर के पास जी मैम बताएं आप कि बच्चे को डॉक्टर के पास कब लेके जाना चाहिए जब बेबी आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है किसी से विद इन अ मंथ ऑफ नाइन्थ तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए दैट केस उसके बाद यदि बच्चा आपको टॉयज ज्यादा प्ले नहीं करता है उसका विद इन द 3 मंथ तो आपको तब डॉक्टर के पास जाना चाहिए एंड आप कोई बाय नहीं कर रहा आपको है ना हाई नहीं कर रहा आपको स्टेप डॉक्टर के पास इसको लेके जाना है उसके आप कोई पिक्चर्स नहीं रिकॉर्ड कर रहा कोई राइट नहीं कर रहा विद द फाइव ऑब्जेक्ट्स स्माइल नहीं कर रहा तो आपको डॉक्टर के पास असिस्टेंस जाना चाहिए एंड मोर इम्पोर्टेंट जब आपको वो अगर हम नेम से मेरी बच्चा वो सुनता नहीं है सुनाई रहा हुआ है या हमें आई कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा आई कॉन्टेक्ट करना बच्चे और हमारे में नहीं और हमें डॉक्टर के पास चीजों में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है वो स्कूल में क्या चेंजेस करने चाहिए टीचिंग में जब हम एक ऑटिस्टिक बच्चे को या आम बच्चों को पढ़ाएं आप आ जाइए नहीं आप यहीं से बता सकते हैं जी स्पेशल टेंशन चाहिए जैसे अब हमें एप्पल उसको पास लाके बताएंगे एप्पल है एंट है एलिगेटर है पिक्टोरियल फ्यूअर चॉइसेस देनी चाहिए और उसको स्टैंडिंग पोजीशन जी तो कैसा लगा आपको लेक्चर